हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम है अनु छाबड़ा। आज के इस वीडियो में मैं क्रिएट करने वाली हूँ ये इजी ग्लैम पार्टी मेकअप लुक। इस लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने बहुत ही थोड़े से आई शेडोज यूज़ की हैं, लेकिन दिखने में लगता है कि बहुत सारी क्रिएटिविटी की गई है, बट नहीं, ये बहुत ही ईजी ग्लैम पार्टी मेकअप लुक है। सो गाइज, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करें आज का वीडियो। तो गाइज, मैंने अपने आईलिड को प्रिपेयर कर लिया है और मेरी आईब्रोज भी डन है। मैं आज मॉर्फी का 35O पैलेट यूज़ करूँगी और उसमें से ये लाइट पीच कलर को मैं ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अपने क्रीज एरिया में ब्लेंड करूँगी। और उसके बाद एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी ताकि कोई हार्श लाइंस ना दिखें। अब मैं ये बर्नट ऑरेंज कलर ले रही हूँ और एक पॉइंटेड ब्रश की हेल्प से अपनी क्रीज में ट्रांजिशन कलर से थोड़ा सा नीचे इसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी। बेसिकली मैं इस वक्त अपनी क्रीज लाइन को थोड़ा सा इंटेंसिफाई कर रही हूँ। और क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश से इन दोनों कलर्स को आपस में ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं ये पैलेट में से ब्राउनिश रेड कलर ले रही हूँ और एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से आईज के आउटर कॉर्नर्स में इसे ब्लेंड करूंगी और थोड़ा सा मैं इसे क्रीज लाइन पर भी लेके जाऊंगी। नेक्स्ट मैं ये ब्राउन कलर ले रही हूँ और इससे अपने आईज के कॉर्नर्स को थोड़ा और इंटेंसिफाई कर रही हूँ ताकि सॉफ्ट स्मोकी लुक आए। और इसके लिए मैं एक पेंसिल ब्रश यूज कर रही हूँ। एंड हेयर कम्स द स्टार ऑफ द शो, ये है स्विस ब्यूटी का लिक्विड ग्लिटर। बहुत ही अच्छा ग्लिटर है, काफी अच्छा पिगमेंटेशन है इसका, काफी ओपेक है, बच भी नहीं होता है। लूज ग्लिटर्स को लगाना थोड़ा सा मैसी होता है, लेकिन ये काफ़ी इजी टू अप्लाई है। अगर आप बिगिनर हैं तो इसमें ज़रूर इन्वेस्ट कीजिएगा, ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है। मैंने इसे nykaa.com से परचेज किया है। एक लेयर ड्राई होने के बाद मैंने इसके ऊपर एक और लेयर लगाया है। आप चाहें तो इसे किसी आई शेडो के ऊपर एज अ टॉपर भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं इस ग्लिटर को अपने आई शेडोज के साथ मर्ज कर रही हूँ। आज मैं अपना लैक्मे का लिक्विड आईलाइनर यूज कर रही हूँ और एक विंग आईलाइनर क्रिएट करूंगी। ग्लिटर के ऊपर लिक्विड आईलाइनर इजीली लग जाता है, इसलिए आप वही यूज करें। लुक एट माई फेस, जब आपके आई लाइनर्स सगे भाई बहन के जैसे दिखते हैं, एक जैसे नहीं है पर मिलते जुलते हैं। देन मैंने यूज किया है कलर बार का परफेक्ट मैच प्राइमर और ये है एले गर्ल का प्रो कंसील कंसीलर। इसमें मेरा शेड है क्रीमी बेज। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मेरी पैक HD फाउंडेशन। इसमें मेरा शेड है 1.2। मैं प्रोडक्ट्स की डिटेल्स सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर पैक का ब्रश यूज़ कर रही हूँ
ये बहुत ही अच्छा ब्रश है, काफ़ी अच्छी कवरेज रहती है जब आप ब्रश यूज़ करते हैं अपनी फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए। क्योंकि समर सीजन है इसलिए मैं अपने पूरे फेस को लूज पाउडर से डस्ट करूंगी और मैं यूज कर रही हूँ क्रेलॉन का ट्रांसलूसेंट पाउडर। और इससे पहले कि आप मेरे चेहरे को देखकर डर जाएं और मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें, मैं यूज करूंगी अपना वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टूर पैलेट और अपने फेस को थोड़ी सी डायमेंशन दूंगी, थोड़ा डेप्थ दूंगी, थोड़ा कलर दूंगी। जहाँ जहाँ मुझे कॉन्टूरिंग की ज़रूरत है वहाँ मैं इसे ब्लेंड करूँगी। अब नेक्स्ट मैं अपनी नोज को भी कॉन्टूर करूंगी इसी कॉन्टूर पैलेट को यूज करके। अब मैं अपना आई मेकअप कंप्लीट करूंगी। यहाँ पर मैं लोअर लैश लाइन को स्मोक आउट कर रही हूँ, सेम जो मैंने अपर लिड पर ट्रांजिशन कलर्स ब्लेंड किए थे वही मैं नीचे लोअर लैश लाइन पर भी ब्लेंड कर रही हूँ। और डिटेलर ब्रश की हेल्प से रेड और डार्क ब्राउन कलर को लैश लाइन के बिल्कुल पास ब्लेंड कर रही हूँ। गाइज मेरी आईज बहुत ही वाटरी हैं, मैं जैसे ही लोअर लैश लाइन को स्मोक आउट करना स्टार्ट करती हूँ उसी वक्त बिल्कुल वाटरी हो जाते हैं। नेक्स्ट मैं ये मेलिन का वाइट आई पेंसिल यूज कर रही हूँ, इससे मेरे आईज थोड़े से ओपन अप दिखेंगे। और अब मैं ये मेबलिन का ब्लश यूज़ कर रही हूँ, ये पीच टोन है, मेरे आई मेकअप के साथ बिल्कुल अच्छे से मैच हो रहा है। मैं लॉरियल के सेटिंग स्प्रे से अपने फेस मेकअप को सेट करूंगी। हाइलाइटर के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेरा कार्ली बाइबल का पैलेट, इसमें से मैं ये शैम्पियन लाइट गोल्ड कलर यूज कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे हाइलाइटर्स हैं, बहुत ही पिगमेंटेड हैं। इसे मैं अपने फेस के सारे हाई पॉइंट्स पर लगाऊंगी। और नेक्स्ट मैं ये अपने ब्राउ बोन को और इनर कॉर्नर्स को भी इसी हाइलाइटर से हाईलाइट करूंगी। अपने लैशेस को कर्ल करूंगी और मैं मेबलिन का बिग शॉट मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ।
आज मैं फॉल्सेस भी यूज़ करूँगी। आप चाहें तो यहीं पर ये मेकअप कंप्लीट कर सकते हैं, अपने मस्कारा का आप 2 कोट लगा सकते हैं। ऑफ कैमरा मैंने अपने फॉल्सेस अप्लाई कर लिए हैं। नेक्स्ट मैं ये फेसेस का लिप पेंसिल यूज कर रही हूँ, इससे मैं पहले अपने लिप लाइन करूंगी। लिपस्टिक के लिए मैं कलर पॉप के ये दोनों शेड्स लगाऊंगी और उसके बाद एज अ टॉपर मैं ये लॉरियल का लिप ग्लॉस यूज कर रही हूँ। इसमें बहुत ही छोटे छोटे ग्लिटर पार्टिकल्स हैं, ये मेरे आई मेकअप से बिल्कुल मैच करेगा। सो गाइज, दिस इज माई फाइनल लुक। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट मीन्स अ लॉट टू मी। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लुक कैसा लगा। सो गाइज मैं चलती हूँ अब और आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।